बोल्ट, फायर बोल्ट। गाइस आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और हम खुल के बात करने वाले हैं फायर बोल्ट के बारे में और फायर बोल्ट की फायर के बारे में कि भैया कैसे चारों तरफ जो है वो चीजें फैला रखी हैं। ज्यादा अच्छा काम वैसे किया नहीं है, लेकिन आज मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि यार कैसा रहा। मतलब यू नो, इससे पहले मेरे फ्रेंड्स ने काफी बताया मुझे और किस तरीके से पूरी चीजें चला रखी इन लोगों ने। आई होप कि आप जो बातें मैं शेयर करूंगा उनके साथ में एग्री करेंगे और हम चेक करते हैं आखिर कि कैसी है ये फायर बोल्ट की स्मार्ट वॉच इनविंसिबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। यार देखो, शुरुआत करते हैं कि कैसे हुआ पूरा सीन, कि मैं अमेजोन पे था और यू नो एट टाइम्स व्हेन आई एम फ्री तो मैं क्या करता हूँ, मैं अमेजोन चले जाता हूँ और रैंडम प्रोडक्ट देखता हूँ क्या चल रहा है मार्केट में, ताकि कुछ अगर डिजिया ढंग का तो ऑर्डर कर लेते हैं और उसका फिर वीडियो वगैरह बन जाता है। तो मेरे को लगा कि यार स्मार्ट वॉचेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड पकड़ रही हैं और काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रही हैं, तो वाई नॉट यू नो मेक अ वीडियो अबाउट स्मार्ट वॉच। एप्पल की तो बना लेते हैं हम, लेकिन नॉर्मल जो होती है बहुत सारी मार्केट में ऑप्शन हैं। अब इंडिया में अगर हम बात करें स्मार्ट वॉचेज की, तो मेरे ख्याल से तीन ब्रांड्स मेनली ऑपरेट करते हैं, आपका नॉइस हो गया है, उसके अलावा बोट हो गया है और फायर बोल्ट हो गया है। अब फायर बोल्ट जो है वो काफी ऊपर अमेजोन मेरे को दिख रहा था, तो मुझे लगा चलो ठीक है फायर बोल्ट की एक वॉच ले लेते हैं। और फायर बोल्ट का फिर एक किस्सा मेरे को याद आ गया, हमारे भाई राकेश भाई, उन्होंने एक वीडियो बनाया था, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है लेट्स गो 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 डीप इन फायर बोल्ट। तो फायर बोल्ट की हमने सबसे महंगी जो उनकी घड़ी थी वो ऑर्डर कर ली, इसका नाम है इनविंसिबल। नाम बहुत तगड़ा रखा है, काम कैसा किया आपको दिखाऊंगा बाद में। और ये जो घड़ी है ये है 5999 की। ऑल्दो I was really lucky कि हमको मिली है बहुत भयंकर डिस्काउंट के साथ। मतलब जो बॉक्स पे इसकी MRP लिखी है वो है 15,999 रुपए और मिली है केवल 5999 में 10,000 का डिस्काउंट। कहाँ मिलता है ऐसा? इसकी भी कहानी क्या है वो आपको बताऊंगा बाद में। बट गाइस देखो, बात क्या है ना कि जब आप कोई एक वॉच लेते हो या कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हो, तो आप क्या करते हो, आप उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स जानते हो पहले, यू नो गूगल वगैरह पे या वीडियोस देख के कि भैया क्या स्पेक्स हैं, क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद में यू लुक फॉर प्रोडक्ट के फोटोज, वीडियोज या जो भी यू नो डिस्क्रिप्शन दिया होता है किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल के ऊपर। तो फायर बोल्ट की जो इनविंसिबल वॉच है, इसके 3-4-5 अलग अलग वेरियंट्स अवेलेबल है अमेजोन पे, और जो आप फोटोज देखोगे भाई ऐसा लगता है कि कुछ नया लेवल का काम कर दिया है फायर बोल्ट ने, कि स्क्रीन जो है ना वो एकदम ऐसे एज एज तक पूरा खींच दिया है, बेजल्स बची नहीं है। तो मेरे को लगा कि भाई बड़ी प्रीमियम वॉच है 6,000 रुपए की। तो ऑर्डर जब किया तो देखो जो डब्बा भी आया है ना, आप इस पे देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन एकदम ऐसे एज एज मतलब भाई बाहर निकल जाएगा, ये ऐसा दिख रहा है आपको, तो लगता है कि भाई वाकई में दिस इज गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। बट अब हम चेक करते हैं कि रियलिटी क्या है। तो देखो बॉक्स ऐसा है, पीछे कुछ बेसिक स्पेक्स हमको मिल जाती हैं इसकी, मेड इन चाइना हिसाब है, प्राइस लिखी है 15,999 रुपये MRP के नाम पे। और अगर हम इसको खोलें साइड में कुछ फीचर्स वगैरह और मिल जाते हैं खैर लिखे हुए, चेक करते हैं ना कि हाउ एग्जैक्टली इट इज। इसके लिए कान बाहर निकल रहे हैं इसके। फायर बोल्ट, दिस इज द वॉच। ओ अच्छा, पैकेजिंग काफ़ी यूनिक करी है ऐसे। ओ ये तो काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है। एनीवे हम देखेंगे तो हमारे पास में इधर तो मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है, एक वारंटी के लिए कुछ कार्ड है और बेसिकली एक यूज़र मैनुअल फॉर द वॉच। एंड लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल वॉच। तो ये है हमारी फायर बोल्ट, लुक्स लाइक एल्यूमिनियम कंस्ट्रक्शन विद सिलिकन स्ट्रैप। लेट्स टर्न इट ऑन, लेट्स पेयर इट अप और फिर हम देखते हैं क्या ये ऐसी दिखती है। लेट्स फाइंड आउट। हाँ, तौबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया भाई। मूड खराब किया या धोखा मिला, क्या मिला गाइस? आपके सामने है सेम वॉच फेस लगाए, कंपेयर कर लो, एग्जैक्ट सेम वॉच फेस है जो बॉक्स के ऊपर है और जो हमें इस वॉच में ये मिल रहा है। हैव अ लुक, मतलब क्या करें इसका, क्या चीटिंग नहीं है भाई? ब्रांड्स जो है ना, जब वो एड वैड बनाते हैं तो डेफिनेटली यू नो दे ऑलवेज ट्राई कि अपने प्रोडक्ट को दे शो इन द बेस्ट लाइट, यू नो बढ़िया से बढ़िया तरीके से वो फीचर्स दिखाएं, बढ़िया से बढ़िया उसके शॉट्स लें, ताकि लोग जो हैं वो उसको खरीदने के लिए यू नो उनके मन में एक अपना फील आए। लेकिन प्रोडक्ट तो चेंज कर दोगे, मतलब बॉक्स के ऊपर यार ये फोटो है, बॉक्स के ऊपर, फॉरगेट द एड्स। आज अगर ये डब्बा रखा है तो बंदे को लगता है ना कि ये आइटम मिल रहा है डब्बे के अंदर, बट मिल क्या रहा है ये, कर लो कंपेयर।
कहां से, कौन से एंगल से ये सेम लग रहा है? दूर दूर तक भी सेम नहीं है भाई। तो ये है फायरबोल्ट इनविंसिबल का मेरा एक्सपीरियंस। अगर हम बात करें इसके अलावा फायरबोल्ट के मॉडल्स की, तो लगभग सभी में ही ऑलमोस्ट यही कहानी है। पहले राकेश ने जो वीडियो बनाया था, राकेश भाई ने, देखा मैंने, और वो सेम काम चल रहा था उधर भी। मतलब वो वॉच कैसी है, वॉच का डिस्प्ले एमोलेड है या कितने दिन का स्टैंड बाय है, वाटर रेजिस्टेंट है, TWS कनेक्ट हो जाते हैं, वॉच फेस वगैरह जो भी है, दैट इज ऑल सेकेंडरी। वो तो ठीक है, फीचर्स होंगे या जैसी भी घड़ी है वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो वैसे दिखती नहीं है जैसे आइटम है। अगर हम बात करें बाकी वॉच फेसेस की, तो आप खुद देखोगे यहाँ पे, अगर मैंने इसको लगा लिया फुल स्क्रीन वाला, नाउ यू कैन सी, अब देखो ना कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चारों तरफ चौड़ा चौड़ा काला पट्टा, बेजल यही है। और इधर क्या है ये देखो भाई, इनके जो वीडियोज हैं ऐसा लगता है कि स्क्रीन एकदम ऐसा एज तक आ रहा है। तो ये धोखा ही हुआ ना एक तरीके से, मतलब बुरा लगता है यार, गुस्सा आता है। एक और चीज़ जिसको लेके आपको बातें समझनी चाहिए, बहुत एक फनी इंसिडेंट है, मैं आपको क्या ही बताऊं। खैर देखो, ये जो घड़ी है ये 599 की मिल रही है, जो मार्केट में इसकी प्राइस है, बॉक्स पे लिखा है 15,999। आपको लगता है कि क्या बड़ी बात है, इसमें लिख दे तो लिख दिया, मिल तो छह ही रही है ना भाई। बात सुनो, 15,999 ये आपको ऐसे बोल रहे हैं कि कितना परसेंट ऑफ एंड फाइनली द प्राइस इज 599। कल को अगर ऑनलाइन पोर्टल्स पे जब सेल आती है ना साल में, तो अगर इसकी प्राइस मान लो उन्होंने 50 रुपये कम कर दी या 100 रुपये कम कर दिए, वॉट एवर, वॉट दे विल क्लेम बेसिस ऑफ दिस MRP कि 70% ऑफ, 65% ऑफ, 80% ऑफ। तो आपको क्या लगता है अंदर से, भाई दिस इज द स्टील डील। अब बताता हूँ एक बहुत ही तगड़ी फाइंडिंग जो मैंने थोड़ा सा जब थोड़ा डिटेल में गया, लैपटॉप देना मेरा एक बार, एक आपको चीज दिखाता हूँ गाइस। फायरबोल्ट के तीन मॉडल्स को अपन कंपेयर करते हैं। हमारे पास में एक है फायरबोल्ट इनविंसिबल, जो कि ये वाली है। ये घड़ी 599 पे बिक रही है अमेजोन पे, और जो प्राइस है वो है 15,999। चलो एक बार को इग्नोर कर लेते हैं, दूसरे मॉडल पे जाते हैं। दूसरा मॉडल जो है ये है फायरबोल्ट विजनरी, और ये 3,999 रुपए की घड़ी बेच रहे हैं। इससे कम प्राइस पे बेच रहे हैं, बट जो MRP पता है वो कितनी है, वो है 17,999। ओहो, मतलब एक्चुअल में इससे महंगी है वो। कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। एक और जो फाइनल इनका वेरिएंट है, फायरबोल्ट निंजा कॉल प्रो प्लस, ये घड़ी 2,000 की मिल रही है अमेजोन पे, 1,999 की, और इसकी MRP पता है कितनी है, 19,999। मतलब 90% डिस्काउंट के बाद आपको ये घड़ी मिल रही है। मतलब ये घड़ी कितने की है अभी, 16,000 की है एक्चुअल में, और ये घड़ी कितने की है, निंजा कॉल प्रो प्लस, 20,000 रुपए। कौन सी दुनिया है भाई, ये क्या चल क्या रहेगी। मतलब यार मेरे को लगता है कि ये चीज़ें हमें समझना और हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कैसे ट्रैप में नहीं फंसना है। इस घड़ी को जब मैं ट्राई करूंगा तो और इसको ना वी कैन फिगर आउट कि भाई फीचर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, बट दैट इज़ ऑल सेकेंडरी यार, दैट इज़ ऑल सेकेंडरी। इट्स प्लेन एंड सिंपल चीटिंग जो ये सामने आपको जिस तरीके से दिखाया जाता है कि भाई कैसा आपको मिलेगा वॉच फेस, और यहां देखोगे तो देखो चारों तरफ ब्लैक 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 ब्लैक। What's the point? देखो अक्सर what brands do स्मार्ट watches और फिटनेस बैंड के डोमेन में कि दे यूज ब्लैक wallpapers as much as possible, ताकि आपको उसके edges जो हैं वो clearly ना दिखें और आपको ऐसा काफ़ी immersive feel हो। वो एक बात समझ में आ जाती है, बट यहाँ तो पूरा पूरा स्क्रीन पे कंटेंट भर रखा है भाई, डब्बे के ऊपर छाप रखा है भाई, मतलब क्या ही बोलें। आई थिंक यू शुड ऑल स्टे अवेयर अबाउट what is happening, क्या चल रहा है यहाँ पे, दिखता कुछ है, मिलता कुछ है, और बंदा बाद में क्या करेगा, बंदा बाद में कॉम्प्रोमाइज़ करेगा कि चल ठीक है भाई, अब ले लिया, अब चल ठीक है, चल तो रही है ना, चल ठीक है घड़ी है, चल यूज़ कर लेंगे। वो कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ, मतलब कहीं स्टार लगा के लिखा हो यहाँ पे कि भाई जो एक्चुअल प्रोडक्ट शोन है, मतलब एक्चुअल प्रोडक्ट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द इमेज शोन। अक्सर ब्रांड्स ये काम कर देते हैं, बट कोई डिस्क्लेमर नहीं है कहीं पे, कुछ भी ऐसा लिखा नहीं है कि भाई जो, लिटरली कहीं डिस्क्लेमर नहीं है, क्या बोलेंगे यार इसको, सारा मूड खराब किया। और ये एक्चुअल में मेरे को पता ही था कि अंदर क्या निकलने वाला है, बट स्टिल थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो जहाँ पे एटलीस्ट आप तक ये बातें पहुँचाऊँ। इन द पास्ट बहुत लोगों ने बताई हैं ये चीज़ें, एक बार मैं आपसे बता रहा हूँ, आपका पैसा, आपकी चॉइस, आपका हार्ड अर्न मनी कहाँ आप डालते हो, एटलीस्ट पता तो होना यार हमको कि भाई क्या निकलेगा अंदर से। आई होप पसंद आया होगा वीडियो, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।